सितारगंज किसान सहकारी चीनी मिल को चलाने की मांग को लेकर किसान व राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने दिया धरना। उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मैं एक क्या नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल इसमें इनकी नियत किसानों के प्रति बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से वही कारण है कि जो सितारगंज फैक्ट्री नहीं चल पा रही। जब किसान सरकार की नियत हो तो क्यों नहीं चल पाएगी। 110 एकड़ जमीन है और एक एकड़ की कीमत बताया कि एक करोड़ है, तो फैक्ट्री तो उससे कम में लग जाती। जब इतनी जमीन है और इतने उसमें मटेरियल है तो इतना बर्बाद हो रहा है। ये प्रदेश की संपत्ति बर्बाद, जनता की संपत्ति बर्बाद हो रही, किसानों की संपत्ति बर्बाद हो रही। ये सरकार है क्यों नहीं समझ रही इस बात को, ये कहना चाहते हैं। इस सवाल नहीं चल रही तो इनकी ना कामयाबी है, किसानों की थोड़ी ना कामयाबी। वो तो मेंबर रहे हैं, उनका पैसा जमा है उसमें, इस तरह से देखें नाकामी सरकारों की है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा है, अनइम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, कैसे देंगे नौकरी। केंद्र किसानों ने आज एक ज्ञापन दिया है, दो तीन दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया था, उसको हमने उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया है और इस ज्ञापन को भी हम प्रेषित कर देंगे। इसके अलावा घटतौली की बात कही गई है, सिटी सेंटर पर छापे मारने की कार्रवाई की गई, उसमें वही घटतौली की मांग की गई थी, एक सितारगंज चीनी मिल चलाने की मांग की गई थी और एक गन्ना मिल के क्षेत्र को बदलने की मांग की गई थी। कुछ मांगे शासन से संबंधित है, शासन को भेज दी गई है, जो मांगे हमसे संबंधित है यहाँ पर कार्रवाई की गई। देखिए, ये जो एक दिवसीय आज धरना दिया गया है, ये पहले ही सरकार के संज्ञान में हमने रखा था कि किसान आज 10 तारीख को एक धरना दिवसीय एक दिन के धरना दिवस पर बैठ रहे हैं। लेकिन देखिए, आज एसटीएम साहब न्यायालय में है नहीं। पहली बात तो इनको होना चाहिए था यहाँ मौजूद, लेकिन आज है नहीं यहाँ। किसानों की मेन जो मांगे हैं, चीनी मिल चलाओ, दूसरा हमारी जो मांगे हैं यहाँ क्रय केंद्रों के ऊपर जो गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ से तकरीबन बहड़ी 35-40 किलोमीटर है, उसको गन्ना ना देकर बाजपुर को गन्ना दिया जा रहा है, जो सरेआम ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। किसान ने घटतौली की शिकायत की थी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीएम साहब ने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जी, हमने इसकी सूचना दी थी कि 10 तारीख को किसानों का एक दिवसीय